गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन। देखिए, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अल्कोहल फिनोल ईथर एक चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद में सम ऑफ द क्वेश्चंस आए हो डिस्कस्ड। बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अप्रोच टूवर्ड्स द क्वेश्चन। पहले किस तरीके से H+ अटैक करता है, डिहाइड्रेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, किस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ा है अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर। वही कंसेप्ट सारे इसके अंदर लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसी को बोला जाता है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, है बात सुन। तो देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये करिए। इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर का हेडिंग देखने से ही पता लगता है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स होते क्या हैं। पहली चीज तो इसी को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। सम ऑफ द पीपल्स आर सेइंग दैट एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। आया बात सुन, ये हुआ। देखिए, कोई भी एल्काइल एल्केन में बोलूं, अगर CH4 बोलूं, CH4 के एक हाइड्रोजन को हटा देना और हटा के CH3 और उस पर एक हेलोजन को जोड़ देना है, उसको बोल देते हैं CH3X। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन ही है। एल्केन फ्रॉम एल्केन वन एच इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन, इट इज नोन एज ए हेलो एल्केन। मैंने यही तो बताया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये तो हुआ इसका IPSC नेम के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम, कि जनरलाइज वे में बोल दिया कोई भी हेलोजन हो सकते हैं। हेलोजन इन जनरल अपन क्या पढ़ते हैं, चार हेलोजन पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन, एल्केन कैन बी एनी कार्बन चेन, एलिफेटिक कार्बन चेन, ओपन कार्बन चेन, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप के नेचर के ऊपर। तो वो तो हुआ IPSC के बेस पे, और सिंपल नेम के बेस पे इस चैप्टर को क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। आए बात सुन, व्हेन एल्केन इज अटैच्ड विद द हेलोजन बाय गिविंग आउट द हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ए हेलो एल्केन। बात समझ आता है। अब ये हेलो एल्केन कितने हो सकते हैं, दिस कैन बी CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये हो सकते हैं, दिस मेनी टाइप्स। कहने का मतलब एक्स इज इक्वल टू आई कैन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ आता है, आए बात समझ। इनको बोला जाता है हेलो एल्केन्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन्स के अंदर, कि देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद में उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इंट्रोडक्शन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको सिंस यू आर गोइंग टू रीड द चैप्टर यू नीड टू नो दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द importance of this chapter।
तो इंपॉर्टेंस की बात अगर जहां आ जाए तो ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं ये बता देता हूं आपको बोलना है दैट इज हैविंग द विटल रोल इन अवर डेली लाइफ. कोई भी चैप्टर कोई भी अगर अल्कोहल का बोले तो भी विटल रोल बोलना है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन बोले तो भी विटल रोल बोलना है. क्यों? क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए. वो हेलाइड रखे हुए हों या अल्कोहल रखे हुए हों या कीटोन और एल्डिहाइड रखे हुए हों या फिर एमीन रखे हुए हों, सारे के सारे कंपाउंड्स यूज आते हैं मेडिसिन्स में, पॉलीमर्स में, डाइज में, फ्यूल्स में, हार्मोन्स में, विटामिन्स में, ये सारे कहीं ना कहीं यूज होते हैं. इसीलिए आपको क्या बोलना है कि एल्किल हैलाइड का अगर हेलो एरिन और हेलो एल्किन का चैप्टर का, हेलो एल्किन चैप्टर का अगर कोई आपको इंपॉर्टेंस पूछे या इंट्रोडक्शन पूछे, आपको बोलना है दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द कंपाउंड्स विच इज हैविंग द फंक्शनलिटी ऑफ कार्बन हैलाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू. कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स बनाने में इनका बहुत काम आता है, डिफरेंट डाइज बनाने में इनका बहुत काम आता है, हार्मोन्स में, प्रोटीन्स में, ये बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट की प्रोटीन. जब भी एल्किल हैलाइड होती है, हैलाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है, वो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन जल्दी करता है. तो डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट न्यू सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाने में इनका काफी रोल है. आए बात सुने, तो ये तो आता है उसका इंट्रोडक्शन के अंदर. उसके बाद पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन. देखिए क्लासिफिकेशन देखेंगे. क्लासिफिकेशन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलो एरिन इन जनरल तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहले तो देखिए तीन तरीके के बोलने से पहले मैं बोलूंगा इनका क्लासिफिकेशन किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग किया जाता है. तो अगर मैं नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप के बेस पे बोलूं तो ये दो तरीके का होता है. तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. ये बात देखना, दो तरीके का होता है. एक होता है एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक. एरोमेटिक को बोला जाता है नॉन एस हेलो एरिन्स और इसको बोला जाता है एराइल हैलाइड्स. इसी तरीके से एलिफेटिक नॉन एज हेलो एल्केन्स और हेलो एराइल हैलाइड्स ये होते हैं. तो इनके अंदर अगर एग्जांपल की बात की जाए, कहने का मतलब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, एल्किल हैलाइड्स या एरिल हैलाइड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं. एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक. एलिफेटिक एल्किल हैलाइड को बोला जाता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड. एरोमेटिक को बोला जाता है हेलो एरिन और एराइल हैलाइड्स. एग्जांपल की अगर बात की जाए, एरिन रिंग अचेत, ये इसके अंदर अगर मैं और लिखूं तो ये लिख सकता हूं CH3I लिख सकता हूं ना, इसी को जनरलाइज में स्पेसिफिक मैनर में इसको लिख दिया BR और मैंने लिख दिया सपोज ये है, यहां लिखा मैंने क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सारे के सारे क्या है, एल्किल हैलाइड है. और इसके अलावा कोई ऐसा एग्जांपल जो इस कैटेगरी में आता है, बिल्कुल डाइबेंजीन वाला लिख दो आई, ये सारे क्या है, एरोमेटिक हैलोजन्स. और इनके अलावा अगर कोई बोले आपको
तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे अपने को बेंजीन एराइल रिंग जुड़ी हुई हो, एराइल रिंग कब जुड़ी होगी? और एग्जांपल अगर देखें, थोड़ी ये देखिए, दीज आर द एग्जांपल्स। अगर एलिफेटिक की बात की जाए तो एलिफेटिक में कौन से होते हैं? ओपन चेन। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं CH3X, या मैं बोलूं CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है? हेलो एल्केन्स, या मैं बोलूं एराइल हैलाइड के। और इसके अलावा कोई बोले CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये इस तरीके के सारे एग्जांपल्स किस में आते हैं? एराइल हैलाइड में। देखिए ये हो गए एलिफेटिक, जिसके अंदर कार्बन चेन क्या हो, ओपन कार्बन चेन हो। और एग्जांपल अगर बोले कोई, तो ये साइक्लिक रिंग लेकिन जुड़ा हुआ क्या है, कोई भी हेलोजन विदाउट एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग नहीं है तो वो किस में आता है? एलिफेटिक की कैटेगरी में आता है। कोई भी रिंग हो अगर इसके ऊपर ये आ जाए तो ये सारे क्या है? एलिफेटिक एल्केन्स। बात कोई अगर पूछे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और हेलोजन के बीच में जुड़ा हुआ बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। कहने का मतलब अक्ष जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप है? देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स द फंक्शन, जो कि फंक्शन करता है, विच इज फंक्शनल इन नेचर, जो मॉलिक्यूल को फंक्शन करवाता है, काम करवाता है, रिएक्टिव होता है, उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम जो किसी मॉलिक्यूल से निकल के या उससे जुड़ के, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए अलाउ करता है, उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। बात समझ आई? अब देखिए ये तो हुआ एक तरीके का क्लासिफिकेशन। इसी के साइड में लिख लेना सी अक्स, तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आए बात सुन। अब देखिए बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द एराइल एंड एल्काइल ग्रुप के बेस पे अपन ने कर लिया। अब अगर कोई कार्बन चेन है या कोई भी एराइल और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी अगर डिग्री देख ली जाए, तो बेस्ड अपॉन द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, ब्रांचिंग बोल दीजिए कि डिग्री ऑफ द कार्बन चेन ब्रांचिंग के बेस पे किस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को क्लासिफाई किया जाता है, तो वो लिखेंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन की ब्रांचिंग के बेस पे किस तरीके से अपन एल्काइल ग्रुप को, किस तरीके से एल्किल हैलाइड को अपन क्लासिफाई करते हैं। तीन तरीके का होता है, 1 डिग्री, और मैं बोलूं इसको प्राइमरी, जिस तरीके से एल्कोहल को कह रहा इसमें यही करना है, प्राइमरी हेलो एल्केन।
इसके लिए एग्जांपल क्या लिखते हैं, यहां पे आ गया एक्स, तो ये क्या हो गया प्राइमरी, या मैं बोलूं CH3CH2X, और क्या बोल सकता हूं CH3CH3CH3, ये सारे क्या है, ये सॉरी इसको ये लिखिए CH2X, 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, कौन से एल्किल हैलाइड्स होते हैं, कौन सी हेलो एल्केन्स होते हैं, ऐसा कार्बन हेलोजन बॉन्ड या ऐसा हेलोजन जो किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन की डिग्री होगी वही क्या होगी, हैलाइड की डिग्री होगी या हेलो एल्केन की डिग्री। बात को समझना है, यहां पे हेलो ग्रुप कार्बन, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, जिस किसी कार्बन की डिग्री डिसाइड की जाती है उसको देखते हैं कि दैट कार्बन एटम इज अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स, यही अपन डिसाइड करते हैं। तो ये कार्बन एटम कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, इसका मतलब इस एल्किल हैलाइड का डिग्री भी क्या है, 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये भी क्या हुआ, 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये भी कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, ये भी क्या हुआ, 1 डिग्री। वो अलग बात है, आगे जाके वो 3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। तो ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। 2 डिग्री के अंदर ऐसा कार्बन हैलोजन बॉन्ड या ऐसा हैलोजन जो जुड़े हुए कार्बन का वो कार्बन भी किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो इस ऐसे एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, CH3CH3X, या मैं बोलूं CH3CH2CH2CH3, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। टर्शियरी के अंदर क्या आ जाएंगे एग्जांपल में, कि एक कार्बन के अंदर जो हेलोजन है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, ये सारे क्या है, कार्बन, या मैं बोलूँ कोई कार्बन चेन है और इसके अंदर यहाँ पे एक आयोडीन जुड़ा, तो ये भी क्या है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, आया। अब देखिए ये तो हुआ अपने को बेस्ड अपॉन द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन, नेचर ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन। अब नंबर ऑफ द हेलोजन ग्रुप भी आ सकता है कि कितने हेलोजन एटम्स जुड़े हुए, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो वो भी लिख लेंगे, उसी के बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन्स, और मैं बोलूं चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है, एक आ गया मोनो एल्काइल हैलाइड्स, या मैं बोलूं डाई एल्काइल हैलाइड्स, ट्राई एल्काइल हैलाइड्स और टेट्रा। टेट्रा एल्काइल हैलाइड्स ये इसके एग्जांपल, अगर कोई बोले तो मिथाइल क्लोराइड, या मैं बोलूं CH3Cl, या मैं बोलूं CH3F मिथाइल फ्लोराइड, या मैं बोलूं इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, और मैं बोलूं मतलब ऐसा ऐसी कार्बन चेन जिसके ऊपर एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो, कुछ भी ले लीजिए CH3CH CH3I, ये कोई कार्बन चेन, यहाँ पे एक
हेलोजन जुड़ा हुआ, तो ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे, मोनो एल्किल हैलाइड के अंदर। ऐसा नंबर ऑफ अगर हेलोजन के बेस पे बोलेंगे तो एक हेलोजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड्स। आया बात सुने, एक होता है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे एक कार्बन चेन जिसके अंदर दो, एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज डाई क्लोरोकार्बिन CH2Cl2, इसको क्या बोला जाता है, डाई क्लोरो मीथेन। डाई क्लोरोमीथेन दिस इज द एग्जाम्पल। और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, CH3CH2CH Cl Cl CH3, ये सारे के सारे एग्जाम्पल, CH3CH CH CH3, ये भी Cl, ये भी Cl, ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, डाई एल्किल हैलाइड के अंदर। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हों या दो अलग अलग कार्बन पे भी दो हेलोजन जुड़े हुए हों, ये सारे क्या आते हैं, डाई एल्किल हैलाइड के अंदर। ट्राई एल्किल हैलाइड के अंदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल नाम क्लोरोफॉर्म। आया बात समझ में। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसके अंदर, CH3CH CH CH CH3, यहाँ पे आ गया Cl Cl Cl, ऐसे एग्जाम्पल्स। या कोई ऐसी CH3CH2CBr3, ये सारे एग्जाम्पल किस में आ गए, या इसको मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ हटा के, CH3CH2CBr3, ऐसे ये सारे किस में आ गए, ट्राइहैलाइड। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द एक्सेलेंट एग्जाम्पल, CCl4। इसका और अगर मैं बोलूँ CFCl Br और I, ये भी तो हो सकता है। इसका इसका स्ट्रक्चर अगर कोई बोले तो क्या बोलेंगे, कार्बन फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड को चार वैलेंसी। इसी तरीके से तो ये सारी की सारी क्या है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजेंस। और एक चीज और आती है, देखिए एक होता है विशनल हैलाइड्स, एक होता है जेमिनल हैलाइड, वो भी आप बात ध्यान रखेंगे। तो बेस्ड अपॉन द अटैचमेंट ऑफ 1-1 और 1-2, उस पर भी बोला जाता है कभी कभी, तो वो भी लिख लेना है। एक और बेस्ड ऑन द पोजिशन, इसके लिए अपन लिखते हैं, एक होता है जेमिनल, एक होता है विशिनल, विशिनल जेमिनल क्या होते हैं, जेमिनल ऐसे एक ही कार्बन के ऊपर दो, मतलब अगर कोई मैं बोलूं CH3CH CH3, और यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड। विशनल में क्या आएगा, CH3CH2CH2, इसको CH लिख लेना, यहाँ Br, ये Br आ गया, 1-2 पोजिशन पे, 1-2 पोजिशन पे आता है, इसको क्या बोला जाता है, विशनल डाइहैलाइड, मतलब 1-2 पोजिशन। और जेमिनल के अंदर क्या होता है, 1-1 पोजिशन, ये बात याद रखना, 1-1। मैं इस कार्बन का नंबर नहीं बोल रहा हूं, ये 1-1 मतलब जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा, 1-1, एक ही कार्बन के ऊपर 1-1 पोजीशन पे जेमिनल, विशनल होता है 1-2 कोई भी। अब अगर मैं अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर बात करूं, सपोज एक है ये और एक है ये,
CH2OH. तो ये तो क्या हो गया, विशनल एल्कोहल, और ये क्या हो गया, जेमिनल एल्कोहल। आया बात समझे? मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल, और अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए 1, 2, 1, 3, 1, 4 तो उनको क्या बोलते हैं, विशनल। 1, 2 पे विशनल टर्मिनोलॉजी जब भी लेंगे 1, 2 पे होने चाहिए हमेशा। ये हुआ इसका पोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। ये जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे किस तरीके से ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक आईपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। और एक बार ZBlue एडवांस में नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये भी है कि आपको कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर या जनरल जब आईपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया गया था इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। यू हैव टू पर्टिकुलर अटेंशन, आपको हमेशा ध्यान रखना है किस तरीके से कंपाउंड्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है। देखिए जब ZBlue एडवांस में जब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मतलब नीट और ZBlue मेन में तो क्यों नहीं पूछ सकता, तो हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर। जब भी कभी किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो रखते हैं, पांच चीजें ध्यान में रखते हैं, पांचों को एक सीक्वेंस में रखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है हमेशा, ये मैंने अल्कोहल में भी बताया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद में क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद में क्या आता है, वर्ड रूट। उसके बाद में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद में क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। क्या ये पांचों की पांचों चीजें होंगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में? जरूरी नहीं, लेकिन अगर होंगी तो इस सीक्वेंस में होंगी। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि पांचों जरूरी नहीं हो या नहीं हो, लेकिन दो तीन चीजें तो बहुत ही जरूरी है, जिसमें से दो चीजें कोई भी नाम होगा उसमें एसेंशियल होंगी। एक तो वर्ड रूट, कार्बन होगा तो ही तो नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसके अंदर उसका प्राइमरी सफिक्स। तो ये दो चीजें तो हमेशा प्रेजेंट होंगी, हो सकता है उसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स ना हो, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स ना हो, बात को समझना है। इस सिक्वेंस में हमेशा फॉलो करते हैं। अब बात आता है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की, या मैं बोलूं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नोमेनक्लेचर की। देखिए जब भी कोई हेलोजन होता है तो इनको हमेशा किसकी तरह कंसिडर्ड किया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ये बात याद रखना, द हेलोजन्स मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, या मैं बोलूं कि ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ऑल हेलोजन्स, नाइट्रोसो नाइट्रो एजो, ये सारे के सारे ग्रुप कभी भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हो तो इनको कभी भी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट नहीं करते। हाउएवर दीज कैन बी एक्टिंग एज ए फंक्शनल ग्रुप और नॉट। मेरी बात समझ आया? वो फंक्शनल ग्रुप तो हो भी सकते हैं, जैसे मिथाइल, मिथाइल तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन उसको हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, अगर कार्बन चेन के ऊपर कहीं मिथाइल लटका हुआ है उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। उसी तरीके से अगर कोई हेलो कार्बन चेन है CH3CH2CH2I, इस आई को हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ये बात याद रखना, इसका मतलब इसको कभी भी लास्ट में नहीं लिखते, इस ये फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी इसको कभी भी सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। आया बात समझे? और सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको नाम में सबसे पहले लिखा जाएगा, और जब सबसे पहले लिखेंगे तो आयोडीन है तो उसको क्या लिखते हैं, आयोडो। हेलोजन्स को हेलो बोलते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो आयोडो। क्या इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स है? नो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? वो बताता है कंपाउंड वेदर योर कंपाउंड इज साइक्लिक इन नेचर और एसाइक्लिक इन नेचर, योर कंपाउंड इज एसाइक्लिक, इफ इट इज एसाइक्लिक यू हैव टू बी साइलेंट, आपका साइलेंट रहना ही क्या बोलता है,
कि कंपाउंड के अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है. अगर साइक्लिक होता तो वर्ड यूज करते साइक्लो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स. लेकिन मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब आयोडो वर्ड रूट क्या है, तीन कार्बन के लिए प्रो प्रोप, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, सेकंड प्राइमरी सफिक्स क्या है एन, सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं, तो क्या हो गया इसका नोमेनक्लेचर आयोडो प्रोपेन. आया बात सुन, अब वन आयोडो लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज अंडरस्टूड, क्योंकि नोमेनक्लेचर या नंबरिंग जो भी करेंगे वो किधर से करेंगे, पहले जिधर से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा. इट मींस दिस आयोडीन जुड़े हुए कार्बन, ये आयोडीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है हैलोजन्स को कार्बन चेन के अंदर, जब भी कभी कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर किया जाता है. इसी तरीके से नाइट्रो, इसी तरीके से एल्काइल ग्रुप्स, इसी तरीके से एजो ग्रुप्स, इनको हमेशा ही किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह. आया बात सुन, ये तो अगर कोई आपको एलिफेटिक कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर दे तो कर लेंगे. अब आप ऑलरेडी आपको इतना डिस्कस कर लिया है, पहले भी पता है, लेकिन एरोमेटिक का जब भी कभी नोमेनक्लेचर किया जाए, देखिए एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो आप कभी भी ऑर्थो मेटा एंड पेरा वर्ड यूज ना करें नोमेनक्लेचर के अंदर. मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जब बहुत पहले नोमेनक्लेचर बताया था, पहली चीज तो ऑर्थो मेटा और पेरा टर्मिनोलॉजी कब आती है, जब कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, स्पेशली उस टर्म को जब ज्यादा यूज किया जाता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई बेंजीन रिंग होगी तो दोनों की पोजीशन बताने के लिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या लगा सकते हैं, ऑर्थो मेटा एंड पेरा. सपोज एक है ये, मैं एराइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, एक्स एक्स, एक है ये, एक है ये, या मैं बोलूं एक तरफ तो है X और एक तरफ है मिथाइल, एक तरफ मिथाइल, तो जब देखिए एक्स डाई हेलो, ये ऑर्थो है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन है, और ये कौन सी है, मेटा. तो इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलना आपको कि मेटा डाई हेलो बेंजीन, दिस वर्ड इज रॉन्ग. या फिर इसको अगर ऐसा शॉर्ट में करके मेटा डाई हेलो बेंजीन, ऐसा नहीं लिखना आपको. मेटा ऑर्थो मेटा एंड पेरा टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं आनी चाहिए कभी भी. आईपीएससी नेवर एक्सेप्ट, इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, आईपीएससी नेवर एक्सेप्ट ऑर्थो मेटा एंड पैरा इन कोरेस्पोंडिंग नोमेनक्लेचर. ये बात याद रखना. आया बात सुन, अब देखिए इसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर, अब हेलोजन को और मिथाइल दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह हैं, तो फिर नंबरिंग, कार्बन चेन की नंबरिंग करना है किसके बेस पे करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में. तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जब नंबरिंग करेंगे तो पहले किसका करेंगे, इसका या इसका, हेलो हेलो अब पर्टिकुलर दिया नहीं गया है तो हेलो को एच ही मानेंगे, इसको एल्काइल को ए मानेंगे, तो एल्काइल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, एल्काइल वन, एल्काइल टू, हेलो बेंजीन. और अगर पर्टिकुलर नाम दे देता, सपोज ये दे देता है ये
फ्लोरीन और यहाँ पे दे दिया मिथाइल, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, फ्लोरो और मिथाइल, एक है फ्लोरो और एक है मिथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, फ्लोरो, तो नंबरिंग किधर से देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, बी छोटा, ये इसका नाम चलेगा। और इसका नाम क्या हो सकता है, देखिए, बेंजीन, टोलुइन, फिनोल, नेफ्थलीन, दीज नेम्स आर एक्सेप्टेबल डायरेक्टली बाय द आईपीसी। आईपीसी इज्जत करता है इन नेम्स की, बोलता है हम इनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं सिंस दीज आर वेरी फेमस नेम्स। तो इसको अब अपने को पता है टोलुइन नाम एज इट इज एक्सेप्टेड है, तो अगर ये नाम दे दिया आपको तो इसका कोई ये भी तो लिख सकता है कि 2 फ्लोरो टोलुइन, ये भी तो इसका नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि टोलुइन, और टोलुइन की 2 पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरो टोलुइन बोलूं, या अगर मैं टोलुइन के रेस्पेक्ट में नहीं बोलूं तो 1 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ नेम्स आर एक्सेप्टेबल, दिस एंड दिस, बात को समझना है, तो इस तरीके से आपको अब अगर कभी भी कोई नोमेनक्लेचर पूछ ले तो जेडब्ल्यू एडवांस के अंदर क्या क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताता हूं। मैं बोला था ना आपको कि एक बार एडवांस के अंदर इसके नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, मल्टीपल आंसर करेक्ट करना था उसके अंदर, उसने बहुत ही सिंपल पूछा और ऑप्शन रखे थे, ए ऑप्शन में रखा था 4-methyl chlorobenzene, बी ऑप्शन में रखा था 4-chlorotoluene, और सी ऑप्शन में रखा था 1-chloro-4-methyl 1-chloro-4-methyl benzene, और डी ऑप्शन के अंदर रखा था 1-methyl-4-chloro-benzene। चार ऑप्शन दिए थे और इसको बोला था मल्टीपल आंसर करेक्ट है, करेक्ट क्वेश्चन दिया था, कौन कौन से, देखिए चार नाम दिए हैं और एडवांस का क्वेश्चन है तो जरूर चारों के चारों ही मुझे सही लग रहे हैं। 4-methyl अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, देखिए अगर मैंने चारों के चारों आपको सही नहीं समझने चाहिए, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या एल्किल हैलाइड है तो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग देते हैं, इसको पहला नंबर क्लोरो, इधर तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है क्लोरो और इधर जुड़ा है मिथाइल, इसका मतलब ये तो डेफिनेट है नंबरिंग किधर से जाएगा, इधर से 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 1-chloro-4-methyl benzene इसको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 4-methyl chlorobenzene में इसको नहीं बोल सकता, 1-chloro-4-methyl benzene में बोल सकता हूँ। और इसको मैं 4-chloro-toluene, ये टोलुइन है और इसकी 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे, ये भी मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि टोलुइन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड नेम, क्या मैं इसको 1-methyl-4-chloro-benzene बोल सकता हूँ, नहीं, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन आर नॉट एक्सेप्टेबल नेम बाई आईपीएससी, तो ये भी नहीं बोल सकते। वैसे देखे तो ये चारों ही ठीक लग रहे थे, लेकिन जब रूल्स देखे तो पता लगा अपनी नंबरिंग किधर से करते हैं, हेलोजन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे तो पहला गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। चौथा क्यों गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोबेंजीन इज नॉट एक्सेप्टेबल नेम बाय द आईपीएससी, तो यहां पे लिख लेंगे चाहे आप हेलोबेंजीन इज नॉट एक्सेप्टेड नेम बाय आईपीएससी,
However, toluene, phenol, benzene, naphthalene, are accepted to. आए बात सुने, ये पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन आया था 2017 ZEE एडवांस मैथ। आए बात सुने, इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स, अब देखिए कुछ सम कुछ और कंपाउंड्स में देता हूँ, उनका अपन नोमेनक्लेचर कल करेंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे किस तरीके से कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में पोलरिटी होती है, कितना पोलर होता है, क्या इसका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट को कैसे अफेक्ट करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर 1-2 पोजिशन पर जुड़ा है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 1-3 पर जुड़ा है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 1-4 पर जुड़ा हुआ तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये सब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, इतना करिए आज, थैंक यू।